और कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा सहारनपुर से शुरू होगी। इस यात्रा की शुरुआत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय करेंगे। यह यात्रा सहारनपुर से सीतापुर तक की निकाली जाएगी। यात्रा में कांग्रेस 16 संसदीय क्षेत्रों को कवर करेगी। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय माँ शाकुंभरी के दर्शन कर यात्रा की शुरुआत करेंगे। करीब 18 दिन चलने वाली इस यात्रा में 161 स्थानों पर नुक्कड़ सभाएं होंगी और इसके अलावा भी तमाम रैलियां होंगी और सभाएं होंगी। देखिए, जहाँ तक कि उत्तर प्रदेश का प्रश्न उठता है तो यहाँ पर हम सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस को अपना मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है और उसका तरीका एक ही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ें। तो जैसे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास गए, उनकी समस्याओं को समझा, उनकी समस्याओं को सुना। ठीक उसी तर्ज के ऊपर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी हैं वो भी निकल रहे हैं और वो लगातार लोगों से संपर्क करेंगे। वहाँ से लेकर के सीतापुर तक की लोगों की समस्याओं को जानेंगे। वहाँ के पर जो किसान हैं, नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, गन्ना किसान हैं, उनकी समस्याएं हैं, इस तरह के छोटे छोटे उद्योगपति हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनको सबको वो समझेंगे, जानेंगे। और जाहिर सी बात है, आने वाले चुनाव में जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर उनको भी जगह मिलना चाहिए। ये कहना कि मिरकरी किसी की जा रही है, गलत है। मिरकरी तो मोदी जी करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, भाइयों बहनों करके। उनके विधायक, कितने विधायक गाली देते हैं, विधूड़ी जी ने क्या क्या नहीं कह दिया, क्या कार्रवाई हो गई। अभी देखिए, सुर्ती बनाते हैं लोग सदन में, एसएमएस देखते हैं, गंदे गंदे एसएमएस देखते हैं, पकड़े गए, सब वीडियो वायरल हुआ। क्या कर दिया उन्होंने, आप बताइए क्या कर दिया। यही यही जो है सेंगर को कितने दिन बाद, जब सारी मीडिया, सारे लोग, सारे विपक्ष के लोग कोर्ट ने संज्ञान में लिया, तो उनको जेल हुई, एक रेपिस्ट को। तो देखिए, ये सब ग्रसित चीजें हैं, ग्रसित मानसिकता के लोग हैं, ये फर्जी डिग्री वाले लोग हैं। देखिए, लोकतंत्र के मंदिर में जो स्थानापन्न संवैधानिक पोस्ट है उसका एक तरह से अपमान है। और जिस तरह से सांसद ने आचरण किया और जिस तरह राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता हैं और उन्होंने जिस तरह वीडियो बनाया, मुझे लगता है ये उस लोकतंत्र के मंदिर, वहाँ पर स्थापित मर्यादा परंपराओं का अपमान है। और इसके लिए उन्हें क्षमा याचना पीठ से करनी चाहिए और राहुल गांधी को भी क्षमा याचना करनी चाहिए। जो मार्ग आप दिखाएंगे आने वाली पीढ़ी वैसी ही निकलेगी।